यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर आपको बता दें कि हिंसक जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आगरा से, जहां दलितों ने सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया है। आगरा से ये बड़ी खबर इस वक्त, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां यहां पर सीधे तौर पर उड़ाई जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया उसका उल्लंघन यहां किया जा रहा है। फोर्ट डिपो पर दो बसों को आग लगा दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त आगरा से, ये तस्वीरें हैं। खबरें अभी तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है, जहां पर दलितों ने सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया है। बसों को आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए आगरा से जो सामने आई है, खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि दलितों ने सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन यहां पर किया है। आगजनी की गई है, दो बसों को आग लगा दिया गया है। फोर्ट डिपो पर दो बसों को आग लगाया गया है, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख भी सकते हैं। तमाम जगहों से आज हिंसक खबरों भी सामने आ रही है। इस विरोध प्रदर्शन के चलते, भारत बंद के चलते, देश भर के अलग अलग हिस्सों से तरह तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो वहीं आगरा में भी उग्र प्रदर्शन आज किया दलितों ने। सड़कों पर उतरकर ऑटो में बैठी सवारियों को लाठी डंडों से पीटा गया। ऐसे दलित समाज की ओर से सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर अगर आवाज उठानी है तो फिर इसमें बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाना आखिर कितना जायज है? अपनी आवाज उठाते हुए, अपनी मांगे उठाते हुए क्यों जनता को यहां पर जो है परेशान किया जा रहा है? ऑटो में बैठे लोगों पर लाठी डंडे चलाए गए।